नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SPO अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई से निकल के बड़ी खबर आ रही है मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र लोकल ट्रेन के मद्देनजर राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य का उदाहरण का हवाला देते हुए, जिसने वैक्सीनेशन की कम से कम एक डोज ले ली है उसे लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी जाए। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार का इस नियम का पालन करने की आवश्यकता है। अगर तीसरी लहर को ध्यान में नहीं रखा जाए तो यह लहर दूसरी लहर से कहीं ज्यादा घातक हो सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के महामारी और आगामी कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए आम जनता को मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं दे रही है, जिसे लेकर सोमवार को ट्रेनों द्वारा उपनगरीय खंड के कुछ यात्रियों ने राज्य सरकार से उन वैक्सीनेशन को अनुमति देने का आग्रह किया है जिन्होंने कम से कम एक टीका लगवा चुके हैं। इस नियम को लेकर यात्रीगण कर्नाटक राज्य द्वारा जारी किए गए नियमों को पालन करने की सलाह दे रहे हैं। मुंबई के रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद कुमार देशमुख ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने टीका लेने वालों को कई तरह की छूट और रियायतें दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर MMR में इस तरह की अनुमति दी जाती है तो मुझे यकीन है कि इससे कई यात्रियों का फायदा होगा, साथ ही वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थिति की अगर बात करें तो राज्य में लोकल ट्रेन में लगभग रोजाना 30 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। हालांकि यह सेवा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एसेंशियल सर्विस के अंतर्गत आ रहे हैं, अस्पताल के लिए आवागमन कर रहे हैं। आम जनता के लिए फिलहाल इसे बंद कर रखा है। दोस्तों आपकी क्या राय है, एक डोज वैक्सीन लेने वाले लोगों को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं देना चाहिए, कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेन और महाराष्ट्र मुंबई की ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी बाहर निकलिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ में, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। थैंक